हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। डायमंड कलेक्शन लेकर आई हूँ, डायमंड ज्वेलरी का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको बहुत सी ज्वेलरीज जो है ना आपको देखने को मिलेगी, और आगे भी इसके आगे आपको और भी वीडियोज मेरे इस टाइप के मिल जाएंगे। सो सबसे पहले जो है ना, ज्यादा बातें करते ना करते हुए जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहला कलेक्शन मैं आपको ये वाला शेयर करने वाली हूँ। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ये वाला कलेक्शन है यू बेला का, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल ज्वेलरी, इसमें ये लिखा हुआ है, आपको हर चीज उल्टा समझ में आ रहा होगा। देन इसमें जो है ना MRP 1999 लिखा हुआ है, मतलब 1999 2000 के लमसम लिखा है, बट इतना नहीं है इसका प्राइस, MRP इतना ही लिखा हुआ है इसमें। सो ये देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैकेजिंग है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये देख सकते हैं मैंने बैंगल मंगवाया हुआ है, इस टाइप का इसके बैंगल है। ये देखिए इसकी बैंगल की आप डिज़ाइन देख लीजिए, आपको नज़दीक से मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें ना काफ़ी मतलब रिव्यू आप देखेंगे ना तो आपको रिव्यू बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। काफ़ी ब्राइडल ने पहना हुआ है ये इस टाइप के बैंगल, और ये बैंगल की खासियत ये है ना कि आप इसे किसी भी चूड़ी में जो है ना मैच कर सकते हैं, किसी भी सेट में आप इसको डाल लीजिए, बहुत ही प्यारा सा जो है ना, मेरी चूड़ी टूट गई, शायद चिटकी हुई थी पहले से ही तो वो टूट गई। तो चलिए मैं इसको पहन के दिखा दे रही हूँ, और चाहे ना आप डेली यूज में सिर्फ इसको भी पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नॉर्मली अगर आप किसी भी ड्रेस सब आप पहन रहे हैं, कुर्ती वगैरह, तो ये आप देख रहे हैं ना बहुत प्यारा सा इसका लुक लग रहा है, देख रहे हैं। डिज़ाइन की अगर बात करें ना तो इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एंड इसी टाइप में जो है ना मेरे पास रिंग भी है गोल्ड की, इस टाइप में मतलब इसकी जो पत्तियों की डिज़ाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। क्वालिटी की अगर बात करें ना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अगर आप डेली यूज में पहनना चाहते हैं ना तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। और ये पूरा जो है ना डायमंड वर्क है इसका, पूरा डायमंड का है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, रियल डायमंड नहीं है कि आप रियल डायमंड समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेरी ज्वेलरी नकली बताते हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी बताती हूँ नकली बताते हैं, कहते हैं कि नकली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अगर गोल्ड की है तो मैं गोल्ड बताती हूँ, नकली है तो नकली है। आर्टिफिशियल ये डायमंड ज्वेलरी जो है मैं आप लोगों से शेयर करी हुई है, रियल डायमंड ज्वेलरी नहीं है। इतनी मेरी अभी इतना भी नहीं है मेरे पास कि मैं इतना परचेज कर सकती हूँ इतनी सारी डायमंड ज्वेलरी, तो ये सारी आर्टिफिशियल है और बिल्कुल ना बिल्कुल रियल लगता है। इसकी जो शाइनिंग है वो बिल्कुल भी जो है ना नहीं जाएगी इस टाइप की है। एंड आप मेरी ये वाली रिंग बताइए, मेरी रिंग का सेट जो मैंने पहना हुआ है इस टाइप से है, आप देख रहे हैं रिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और मैं आपको ही ना इसको, ये वाली आपने पहले से देखा, पिछले साल मेरे बर्थडे में दिया था मेरे हस्बैंड ने, एंड इसमें ये बीच में ये पहना मैंने, ये वाली देख रहे हैं, आगे इसका सेट बनाया मैंने, काफी दिन से रखी हुई थी, मैं ध्यान नहीं दिया तो कहाँ से लिया मुझे वो भी नहीं याद है, नहीं तो मैं इसका लिंक आप लोगों को जरूर शेयर कर दी, बट ये ऑनलाइन भी मिलती है आई थिंक, तो आप ले सकते हैं ऑनलाइन अगर आपको जहाँ से मिल जाए, मीशो वगैरह में आप चेक कर लीजिएगा। सो ये देख रहे हैं बहुत प्यारा सा है, तो इस टाइप से डबल अच्छी लगती है, मतलब इस टाइप से अलग अलग पसंद है, या आप बताइएगा कमेंट करके कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है इसका सेट। ये देख रहे हैं इस टाइप से बहुत ही अच्छा इसका सेट लगता है। और एक ये वाली है छल्ला टाइप का, इसमें ना मेरे नहाते समय थोड़ा सा साबुन वगैरह चला गया था, तो इसको भी मैंने इस तरह से डबल पहन लिया है। तो ये है डायमंड की रिंग्स है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये भी डायमंड की है, आगे देखूंगी लिंक अगर मिलता जुलता कुछ भी है तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर कर दूंगी। तो ये इस तरह का देख रहे हैं आप, इस टाइप का मिल जाएगा। तो ये हो गई सेकेंड मैंने जो डायमंड का आपको दिखाया है। सो चलिए उसके बाद बात करते हैं, प्योर डायमंड तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब उसी में है ये सारी रिंग का सेट है, इतनी सारी रिंग का ये पूरा सेट है, पर मैंने इसको चेंज नहीं करवाया, थोड़ा छोटा छोटा साइज है ये, बट मैंने इसको चेंज नहीं करवाया है। तो इसमें ना कुछ चीज इस टाइप की इसकी रिंग मिल जाएगी, कौन किस टाइप की रिंग है मैं साइड में आपको पिक्चर लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा। एंड इसमें कुछ इस टाइप की रिंग है, छल्ले है, तो इसमें फ्री साइज है ना, काफी छोटा साइज है रिंग का, ये आप देख लीजिए इस तरह से, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये इस टाइप का है, बट ठीक है, इसे ना छल्ले टाइप का आप किसी तरह से जो है ना पहन सकते हैं, ये इस टाइप का है। और उसके बाद जो है मैं आपको ये वाला मैंने दिखाया था आप लोगों को कुछ दिन पहले, इसका शॉर्ट वीडियो अनबॉक्सिंग भी आप लोगों से मैंने शेयर किया था, ये वन साइडर है, कान में पहनने के लिए है, इस टाइप का ये देख रहे हैं आप ना, इयर रिंग्स
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। डायमंड कलेक्शन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सारे कलेक्शन आपको डायमंड में मिलेंगे। प्लीज़ थोड़ा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये वाले इस टाइप से हैं कि आप ना इसको कान में मतलब आप देखिए, सबसे पहला कलेक्शन आप मेरे जो इयररिंग्स पहने हुए ना, ये भी मेरे डायमंड में है, डेली उसके लिए मैंने परचेज किया है। इसके डिज़ाइन में आप लोगों को नज़दीक से दिखा दे रही हूँ और इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है। और सारे जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ज्वेलरी दिखा रही हूँ, सब कुछ आपको बजट में ही आप लोगों को मिलेगी। ये वाला जो है ना 300-400 आई थिंक ऐसे ही है, या 200-300 के अंदर ही आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड ये वाले आप मेरे छोटे टब्स देख रहे हैं ज्वेलरी उसके डायमंड के, एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, ये आप देख रहे हैं ना, इसको मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। ये देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी शाइनिंग बहुत प्यारी सी है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी आपको इस तरह से आप देख रहे हैं। और इस तरह से चाहे तो आप डेली यूज़ के लिए जो है ना परचेज कर सकते हैं, मैंने डेली यूज़ के लिए परचेज किया है। तो ये तो था, आपको ये भी आपको दिखाना ही था, तो मैंने कहा ऐसे ही दिखा देती हूँ। और चलिए ये मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। ये वन साइडर है, चाहे तो आप ना दो परचेज कर सकते हैं ये, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है मिल रहा है मुझे, क्योंकि एक वन ज़्यादा मतलब 183 आई थिंक ऐसी कुछ है, बट आपको दो अगर पड़ेगा आपको 300 कुछ का पड़ेगा। सो चलिए मैं सबसे पहले आपको ना इसको पहन के दिखा देती हूँ किस तरह से इसको पहनना है। ये देखिए बहुत ही स्टाइलिश है ना, आप एक साइड भी चाहे तो इसको पहन के जा सकते हैं फिलहाल। मतलब ये इस टाइप का, ये देखिए मतलब ना मतलब ये आप इसको पहन के सोने का मतलब ना मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, सोने में लग सकती है अगर आप इसको लेट के पहनते हैं। और ये देखिए काफ़ी स्टाइलिश है ये, और ये आपका मतलब क्या है ना कि आप नॉर्मली कहीं जा रहे हैं ना नॉर्मली मार्केट वगैरह, तो इसमें काफ़ी डिज़ाइंस आपको मिल जाएगी मैचिंग के, काफ़ी डिज़ाइंस अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट इसके डिज़ाइन मिल जाएगी। तो इस तरह का आप पहन सकते हैं, देख सकते हैं आप इस तरह का, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है ये वाली। और आप लोग बताइए आपको कैसी लगी है ये इस टाइप के डिज़ाइन, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो चलिए उसके बाद जो है ना नेक्स्ट है ये वाली, मैंने बहुत ही अच्छा एक मुझे मेकअप लुक करना है, सो मैंने उसके लिए मंगाया था, बट ना मुझे ये ओके प्रोडक्ट्स लगा, बट अच्छा लगा मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मली। अगर आपको सिंपल चाहिए कुछ और बहुत ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा, मैंने मीशो से मंगवाया हुआ है ये वाला। और ये देखिए इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, बहुत खूबसूरत सी बॉक्स में है ये, और इस तरह से ये देखिए ये ब्रेसलेट टाइप में है ये, और ये मतलब काफ़ी स्ट्रेचबल है, इस टाइप में है कि आपके नॉर्मल मेरे हैंड में तो आ ही जाता है ये, आपको मैं दिखा देती हूँ। और ज़्यादा मोटी किसी की कलाई होगी ना तो हो सकता है प्रॉब्लम होगी आने में। और इसमें ये बहुत प्यारी सी जो है ना रिंग दी हुई है, एंड बहुत खूबसूरत लगी मुझे इसकी रिंग, काफ़ी अच्छी लगी। तो आप पहन सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, मैं अभी बात करके आप लोगों से बात तो चलिए, मेरे हस्बैंड का फोन आया तो मैंने कहा बात कर लूँ। और रिंग की डिज़ाइन देख लीजिए, बहुत स्टाइलिश है एकदम, नहीं नागिन वाला मतलब जो उस पर पहले जो पहनती थी तो ना उस टाइप में है। और ये ना मतलब डायमंड वाइट डायमंड एंड ब्लैक डिज़ाइन में है ये वाला, आपको ब्लैक स्टोन भी इसमें मिल जाएंगे। तो मैंने ब्लैक के उससे ही ये मंगवाया था, मुझे यू नो ब्लैक पूरा एक थीम रखना था जिसमें आपको रिंग मिल रही है प्लस इयररिंग्स मिल रहे हैं। और देखिए मैं आपको पूरा सेट दिखा दे रही हूँ, एंड ना इसका पूरा आपको पेंडेंट वाली जो है ना चैन आप बनाते हैं पेंडेंट वाले, नॉर्मली नेकलेस आता है नॉर्मली, तो ये पेंडेंट लगाने के लिए है, पेंडेंट डाल के अपना इसे गले में पहन सकते हैं। सेम मैचिंग का पूरे इयरिंग सेट दिया हुआ, इयरिंग्स दिए हुए हैं एंड रिंग भी दिया हुआ है पूरा मैचिंग का। तो ये मैं आपको नज़दीक से इयरिंग्स एंड पेंडेंट का दोनों का दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये देखिए ये इयररिंग्स, ये पेंडेंट है और ये वाला इयररिंग्स है। तो ये देख लीजिए आप, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, वाइट और ब्लैक स्टोन में है ये वाला। तो आप देख लीजिए, पता नहीं आपको समझ आ रहा हुआ है नहीं, तो पिक्चर मैं इसकी लगा दूंगी। और बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं है, नॉर्मली कैजुअल ज्वेलरी है, जैसे अगर आपकी मैरिड नहीं हुई ना तो आप पार्टी वगैरह में इसको पहन के जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये। तो इस तरह से मैंने इसको मंगवाया था, एंड पूरे मैचिंग का आपको सब कुछ मिलेगा, इयररिंग्स वगैरह है, सारी चीज़ें आपको मैचिंग की मिलने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको बिल्कुल 200 कुछ में रुपए में जो है ना आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, 200 में ही आई थिंक है ये मेरे ख्याल से, मैं आपको जो बता रही हूँ। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद चलिए ये वाले इयररिंग्स बता रही हूँ मैं आपको। ये वाले इयररिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, मैं क्या कहूँ, मैं इसकी तारीफ जितना करूँ ना, मतलब मैंने इसको देखा था ना तभी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। एंड यार सच में ये ना बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी क्वालिटी में गड़बड़ लग रही है मुझे थोड़ा सा, मतलब ना इसके ये जो पॉइंट डालने वाला ना थोड़ा सा ये टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है मुझे। और ये देखिए इयररिंग्स आप देख लीजिए, अरे यार मतलब पूरे डायमंड में है, हल्का सा गोल्डन कलर दिया हुआ है एंड बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद आए थे, मैं बहुत देर से सोची थी इसको परचेज करूँ बट मैंने पहले किया था और ये मेरे गलती से ये ऑर्डर मुझसे कैंसिल हो गया था तो ये मैं फिर मंगा ही नहीं पाई हूँ। और ये देखिए मैं आपको पहन के दिखा दे रही हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं ना पहन के नहीं दिखाते हो आपकी ज्वेलरी नहीं है, ओ माय गॉड, मतलब मैं वीडियो बनाने के लिए दूसरों की ज्वेलरी मांग के लाऊंगी। वाह, आजकल कुछ लोगों की सोच ना, मतलब कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं नहीं ज्वेलरी पहन के दिखाती हूँ, सोचती हूँ यार दिखा दो वही बहुत है, तो लोगों को लगता है कि मैं मेरी ज्वेलरी नहीं है, मतलब कुछ लोगों की सोच ही बहुत अजीब सी होती है यार। और चलिए मैं इसको पहन के दिखा दे रही हूँ, और ये रिटर्निंग भी है इसमें 7 डेज की, अगर आपको क्वालिटी नहीं समझ में आ रही तो आप, वैसे मीशो की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज्वेलरी के उससे ही बहुत फेमस है मीशो, तो ये देखिए देख लीजिए आपको मैं नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इयररिंग्स, बहुत ज़्यादा एंटिक पीस है, बहुत बहुत ज़्यादा इसकी जो डिज़ाइन है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की ये है एंड आप कहीं भी पहन के जाएंगे ना तो सब आपसे पूछेंगे आपने कहाँ से लिया है, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये इस टाइप की ज्वेलरी है कि आप ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप साड़ी में पहनो या कुर्ती में भी पहनो, ऐसा कुछ नहीं, आप जिसमें चाहे उसमें आपका मन है ना वो पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई है ये वाली डिज़ाइन। सो एवरीवन, इतनी थी मेरी सारी डायमंड ज्वेलरी, तो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और भी मेरी पहले की मैंने ये अभी फिलहाल में परचेज किया है सो मैंने आप लोगों से वही शेयर किया है, और अगर मेरी पहले की डायमंड ज्वेलरी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों से अपनी सारी डायमंड ज्वेलरी जो है ना शेयर करूंगी जो कि मैंने अभी कुछ महीने पहले एक साल पहले जो मतलब परचेज किया है। सो ये देख सकते हैं मैंने ये इसका ब्रेसलेट पहन रखा हुआ है अभी तक निकाला नहीं, एंड ये बैंगल, तो आप में मतलब मेरी ज्वेलरी में सबसे प्यारा आपको क्या लगा, सबसे अच्छी ज्वेलरी किस कौन सी आपको लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। पुराना कलेक्शन आप देखना चाहते तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे अच्छे कलेक्शन के साथ, और बहुत अच्छा मीशो हॉल भी आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ तो उसका भी इंतजार करिए, फ्लिपकार्ट हॉल शेयर करने वाली हूँ उसका भी वेट करिएगा, और मेरे नए नए लुक के साथ जो है ना आपको मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है ना मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।